जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक तिवारी और आज थंब प्रोड्यूस की इस वीडियो में मैं आपके सामने लेके आया हूँ अनबॉक्सिंग वीडियो ऑफ एस जे कैम 6। फीचर्स के बारे में बात करेंगे। अनबॉक्सिंग आई हैव डन, अभी मैंने कुछ इसमें वीडियो क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड करी है इसकी क्वालिटी चेक करने के लिए, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इससे पहले हम देखते हैं अनबॉक्सिंग की वीडियो। ओके, तो बॉक्स खोलना अभी शुरू करते हैं। सो एज यू कैन सी आई हैव नॉट ओपन दिस बॉक्स येट। सो ये है हमारा एच जे कैम J6 लेजेंड। प्राइस मैं नहीं बताऊंगा, प्राइस यू गाइस कैन चेक ऑन द अमेजोन, बिकॉज प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, तो अभी मैं प्राइस नहीं बता रहा हूँ। लेकिन मैंने एच जे 4000 की बजाय J6 इसलिए लिया है क्योंकि इसमें द फीचर ऑफ जायरो स्टेबलाइजेशन इन्होंने दिया है। तो जायरो स्टेबलाइजेशन, दो स्क्रीन्स हैं इसमें, फ्रंट एंड बैक, और दिस इज़ हाई डेफिनेशन 4K रेजोल्यूशन कैमरा विद 24 FPS, और 30 मीटर तक वाटर रेजिस्टेंट है, एंड ऑफकोर्स वाईफाई। तो ओके, अभी टाइम है, लेट्स ओपन द दिस बॉक्स। ओके, ये मेरा पहला एक्शन कैमरा है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एक्चुअली। So guys, this is SJ Cam. You can see there is a small screen in front and the bigger one in back, of course. So let us see what else do we have in the box. So this is our camera. काफ़ी सारी चीज़ें हैं बॉक्स में। हेलमेट या कहीं पे भी लगाने के लिए माउंट, चार्जिंग केबल, अनदर माउंट, हाउसिंग, this is for placement on the handlebar, and waterproof case, touch back door, okay, 3M stickers, something to put this camera on. There are two of them, and one more, okay. So a lot of these things I don't even know unko kya bolte hain. Pehli bar, like I said, pehli bar maine camera liya hai. और काफ़ी सारे माउंट रिलेटेड थिंग्स आई कैन सी, एंड दिस इज़ आई थिंक द कवर फॉर द कैमरा। और फाइनली देर इज द मैनुअल एंड टू ऑफ द स्टिकर्स, सो दैट्स इट, एंड वन दिस क्लोथ, ये शायद कैमरा क्लीन करने के लिए। तो ये तो रहा इन सब के बारे में। आई थिंक बैटरी इसी के अंदर होगी, केसिंग के अंदर, तो इसको ओपन करके देखते हैं। तो आई एम ओपनिंग इट, लेट अस ट्राई। ओके, दिस इज bit tight. Okay, so now this is a very small and nice camera. Battery is inside. As you can see, this is the battery. This is 1000 mAh battery. मैंने एक और spare battery भी order करी है, वो भी I think एक दो दिन में आ जानी चाहिए। तो अभी मैं इसको वापस डालता हूँ, start करके देखता हूँ। Card, ओके, कार्ड इधर से डलेगा। अभी मैंने कार्ड नहीं डाला है, लेकिन फिलहाल जस्ट लेट मी जस्ट पावर इट ऑन। कैमरा ऑन हो गया है। ओके, हाँ नाइस। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, उसमें मेमोरी कार्ड डाल के कुछ फुटेज बाहर से कैप्चर करूँगा। देखते हैं कि कैसी फुटेज आती है, क्या है, और वो मैं शेयर करने वाला हूँ। अनबॉक्सिंग आपने देखी, और अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ वीडियो क्लिप्स जो इसमें मैंने कैप्चर करी है। और हाँ, उसके बाद एक चीज़ और मैं इसमें मेंशन करना चाहता हूँ कि इसकी क्वालिटी जब आप डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं, 4K एक्शन कैम है, लेकिन 4K में प्रॉब्लम यह है कि आपकी इमेज क्वालिटी अगर आप जूम करते हैं तो इट्स नॉट सो गुड। तो सेटिंग्स आपकी रहेंगी, बेसिकली आपको चेंज करना है 1080p पे, उसके बाद आपको जायरो स्टेबलाइजेशन ऑन करना है, क्वालिटी उसकी हाई पे सेट करनी है, और उसके बाद का जो इफेक्ट आता है वीडियोस का, वो मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ। 4K में आप इसको सेट करके कोई मेरे को एज सच कोई फ़ायदा नहीं लगा है। तो आप अगर चाहें तो आप एक बार इसको ट्राई कर सकते हैं, अगर इफ़ यू आर बाइंग दिस। हाँ, तो अब मैं आपको क्लिप्स दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर अभी आगे की बात करते हैं। और अभी जो आप क्लिप्स देखने वाले हैं,
वो क्लिप्स SJ Cam 6 लेजेंड से ली गई है, और अभी जो ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये मेरे मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड करी है मैंने, OnePlus 7 में। तो देखा आपने कि दोनों इमेजेस मैंने आपको साइड बाय साइड दिखाई, और साथ में वीडियो भी आपने देखी। 4K मैं इसलिए यूज़ नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है 4K की। मैं ज़्यादातर अगर वीडियो रिकॉर्डिंग करूँगा भी मोटरसाइकिल पे, मुझे हेलमेट में लगाना है कैमरा, उसके बाद अगर रिकॉर्डिंग चलती भी है तो 1080p इज़ गुड इनाफ। यूट्यूब पे भी अगर आप देखेंगे 1080p पे आप कोई वीडियो देखते हैं, इट इज़ वेरी गुड क्वालिटी। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उससे ज़्यादा चाहिए। और 1080p यूज़ करने का एक वजह और है कि 32 GB का मेमोरी कार्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, और अगर मैं 4K रेजोल्यूशन में जाके रिकॉर्ड करता हूँ तो वो बहुत ही जल्दी मेमोरी कार्ड मेरा फुल हो जाएगा। मीनवाइल अगर मैं 1080p पे रखता हूँ तो इट विल आई विल बी एबल टू रिकॉर्ड मोर। साउंड क्वालिटी की अगर हम बात करें तो साउंड रिकॉर्डर इस कैमरे का अच्छा नहीं है। आपको अगर वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल माइक लगाना चाहिए। मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप डिफ़ॉल्ट माइक यूज़ करें, क्योंकि जो आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो उसकी साउंड बिल्कुल बहुत ही कम आती है। तो इसलिए मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसका डिफ़ॉल्ट माइक्रोफोन के साथ जाएं। और एक फीचर और है कि इसको आप एज अ वेबकैम अपने PC के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ट्राई किया था, जैसे ही आप इसकी केबल लगाते हैं और कैमरे में कनेक्ट PC में कनेक्ट करते हैं, देर इज़ एन ऑप्शन, ये पूछता है आपसे कि आप उसको स्टोरेज के लिए यूज़ करना चाहते हैं। दैट मीन्स कि आप उसकी स्टोरेज एक्सेस करना चाह रहे हो या उसको कैमरे की तरह यूज़ करना चाह रहे हो। तो इफ़ यू चूज़ PC कैमरा ऑप्शन, यू विल बी एबल टू कनेक्ट दिस कैमरा एज अ वेब कैम। सो इफ़ यू लाइक इट, लिंक ऑफ दिस कैमरा इज़ इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट आउट ऑन अमेजोन। अमेजोन पे आप इसको जाके देख सकते हैं, इसके सारे फीचर लिस्टेड हैं वहाँ पे आप रिव्यूज़ देख सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगा दोनों सेटिंग्स देखने के बाद कि विद जायरो स्टेबलाइजेशन अनेबल्ड दिस कैमरा इज़ रियली रियली गुड, इट इज़ मच बेटर देन SJ Cam 4000। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ इफ़ यू आर अ बिगिनर, अगर आप अभी अपनी ब्लॉगिंग जर्नी का स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं डेफिनेटली इस कैमरे को रेकमेंड करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब बिकॉज देर आर मोर वीडियोज़ कमिंग सून।